मॉर्निंग किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पेट एनिमल्स इन ईवीएस। बच्चों, आज हम पेट एनिमल्स के नेम्स को पढ़ने जा रहे हैं। पेट एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, जैसे कैट, डॉग एक्सेट्रा। और बच्चों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को पेट एनिमल्स में कंफ्यूजन होता है, वो काउ, ऑक्स, बफलो को भी पेट एनिमल्स समझते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। ये सब डोमेस्टिक एनिमल हैं, क्योंकि ये हमारे साथ, हमारे बेड के पास, हमारे कमरे में वो नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन हो गए? काउ, ऑक्स, बफलो, है ना, एक्सेट्रा। और पेट एनिमल्स कौन हो गए? जो हमारे कमरे में हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें हम गोद में उठाकर भी इधर से उधर ले जाते हैं। तो एक एक करके आज मैं आपको पेट एनिमल्स को राइट करूंगी। नंबर वन, कैट, सी ए टी, कैट। कैट कहते हैं बिल्ली को, ठीक है। तो बिल्ली को हम क्या करते हैं बच्चों? अपने साथ इसको रखते हैं, इसे हम पालते हैं। नंबर टू, डॉग, डी ओ जी, डॉग। ये है डॉग। डॉग को भी हम घर में रखते हैं और इसको भी हम, इसे भी हम गोद में उठाकर घूमते हैं, इसके खेलते भी हैं इससे। नंबर थ्री, फिश, फिश भी पेट एनिमल है, क्योंकि इसे हम एक्वेरियम में घर पर पालते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, ये कलरफुल होती है। देखो, यहाँ पे कलरफुल फिशेस हैं, ठीक है। नंबर फोर, रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को। ये है रैबिट, इसे भी हम पालते हैं। ये भी बहुत प्यारा लगता है देखने में, क्यूट सा। आर ए डबल बी आई टी, रैबिट। ये है रैबिट। नंबर फाइव, पैरट, इसे भी हम पालते हैं। पता है बच्चों, ये हमारी आवाज भी निकाल लेता है। जब हम इसे पाल लेते हैं पैरट को, तो ये हमारी आवाज भी निकालता है। ये बहुत बोलता है सीताराम सीताराम भी करता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग है, पैरट की स्पेलिंग है पी ए डबल आर ओ टी, पैरट, ठीक है, पैरट। नाउ रिपीट अगेन। नंबर वन, सी ए टी, कैट। नंबर टू, डी ओ जी, डॉग। नंबर थ्री, एफ आई एस एच, फिश। नंबर फोर, आर ए डबल बी आई टी, रैबिट। नंबर फाइव, पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट। ओके, योर होमवर्क, डू इन ईवीएस कॉपी। थैंक यू।